भैया डूज एंड डोंट्स बता दीजिए। मैंने लाइव में पूछा था कि मैं किस टॉपिक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया डूज एंड डोंट्स। वैसे तो मैं हर अपने हर वीडियो बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या सही है क्या सही नहीं है। बट मैंने अभी जस्ट थोड़ा, इसलिए आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई। वैसे मैं 9 बजे तक डाल देता हूँ, तो आज हो सकता है 9:15 9:20 तक वीडियो है, 9 साढ़े 9 की आज में भी वीडियो की मैंने शेड्यूल की होगी अभी। तो मेरा तो अभी 9 बज रहे, मेरे अभी 8:30 हो रहे हैं, इंडिया में 9:30 बजे वीडियो आ जाएगी। सो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी मेरे चैनल को, इससे बहुत ही बढ़िया होगा। धीरे अब इतने में अपना जो सब्सक्राइबर्स ग्रोथ है वो बहुत ही हड़ू हड़ू स्लो स्लो हो गए, तो ये चीज़ ना हो, इसलिए ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। और एडमिशन अभी भी शुरू है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उससे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो डूज की बात करेंगे सबसे पहले, डोंट्स पे बाद में आएंगे। डूज वो मैंने डूज में वो चीज़ लिखी है जो हमको लगा कि हमने कर लेनी चाहिए थी या हम लोगों ने नहीं की, जो आपने करनी चाहिए, आप लोगों ने उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ है स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, कब पढ़ना चालू करना चाहिए, 3rd ईयर से 4th ईयर से ऐसा। सो आई थिंक कि जितना अर्ली स्टार्ट करो आप उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रिपरेशन नहीं एग्जैक्टली, बट पढ़ना आप जल्दी स्टार्ट करिए। सो जैसे आपका फर्स्ट टाइम में आपका एनाटॉमी होता है, तो ट्राई करिए कि उसको यूट्यूब से पढ़ ले, या आपके पास अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जिससे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्रीप्लैटर है, मैरो है, मिस्ट है, अराइज है, सेरेबल है, बहुत सारे हैं। सो आप ट्राई करिए कि वो सब्जेक्ट उससे ख़त्म हो जाए अपना, एटलीस्ट वो आप निपटा लें, या यूट्यूब से पढ़ लीजिए ऐसा कुछ। सो स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। सेकेंड चीज़ जो आपने करनी चाहिए वो है आपने लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज जानना चाहिए, स्पेशली जो रशिया में बच्चे जो करना है, तो आप कभी भी उसको हल्के में ना लें, क्योंकि यहाँ टीचर्स और बाकी लोग, यहाँ के लोग भी आपकी तब अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे जब आपको अच्छी रशियन बोलने आएगी। सो अगर आप 4 लोगों में जाएंगे तो आपको, जैसे अगर आपको अच्छी रशियन आती तो सभी रशियन खुश होंगे, अच्छा तुमको आती बहुत अच्छी रशियन आती है, अच्छी तुमको किस ईयर में हो, तुमको बहुत अच्छी रशियन आती है। तो रशियन लैंग्वेज ध्यान दें, रशियन लैंग्वेज की क्लासेस 4th ईयर तक हर दिन सुबह 1 घंटा होती है, सॉरी 2 घंटा होती है। सो हमारे भी 4th ईयर फर्स्ट सेम तक क्लासेज रशियन की, तो आपकी भी होगी, और फर्स्ट डे से उस पर ध्यान दें, बोलने का ट्राई करिए। यदि आपको नहीं भी आती तो भी ट्राई करिए बोलने का, और इससे आप क्या है ना, वर्ड सीखोगे नए नए, मेनली स्पेशली टैक्सी ड्राइवर से, जहाँ भी आप सामान खरीदने जाते हो वहाँ पर जाके रशियन लैंग्वेज में बात करिए, ठीक है, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर थर्ड है कि हम लोग ने बहुत ही बोरिंग ज़िंदगी जी है। आप लोग ने मेरे ब्लॉग में कभी ज़्यादा देखा होगा, हम लोग बाहर और गए कभी। सो आपने मेरे हिसाब से संडेज को, हर संडेज को ट्राई टू एंजॉय, बाहर जाइए, लेकिन मतलब कोई रेस्टोरेंट जाइए, कोई कैफे जाइए, एक्सप्लोर करिए, बहुत थोड़ा घूमिए, उस जगह को एक्सप्लोर करो, बाहर जाओ घूमो। जब भी आप घर भी जाते हो तो वाई मॉस्को अगर जाते हो तो ट्राई करो कि मॉस्को बड़े अपार्टमेंट करो, 2-3 दिन रुको, मॉस्को देखो, कभी पीटर्सबर्ग देखो, समारा देखो, ये जो भी है यहाँ पे टूर डेस्टिनेशन है वो सब आप की देख के हो जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो जनरली मॉस्को जाना होता नहीं है। तो जब भी आप जाते हो तो 2 दिन वहाँ पे रुक के एक मतलब घूमो, एक्सप्लोर करो, आए हो तो दिस 6 ईयर्स मेमोरेबल होनी चाहिए आपके, ठीक है। फिर फोर्थ है अतरा बोध का, कभी ना रखें, आपके क्लास कभी ना मिस करें, ट्राई टू गो टू एवरी क्लास पॉसिबल, और हर क्लास को अटेंड करें। बाकी जो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट जैसे लैटिन, फिजिक्स, ये सब आपको पढ़ना नहीं, बट आप ट्राई करिए किसी क्लासेस ना छोड़े, स्पेशली मेडिकल सब्जेक्ट क्लास ना छोड़े पैदा, क्योंकि यहाँ पे सुबह ठंड में बच्चे जो 8:30 बजे क्लास है तो उठते नहीं है सुबह सुबह, 10 दिन मेजर प्रॉब्लम हुई है। सो बच्चे उठते नहीं, फिर सुबह क्लास मिस होती है, फिर आपको पेंडिंग रह जाता है, फिर आपका रेटिंग कम होता है, फिर आपकी रेटिंग कम कर आपको एग्जाम देने नहीं मिलते, फिर आपको फेल किया जाता है और आप इंडिया जाते हो। सबसे ज़्यादा रीज़न इंडिया जाने का या फेल करने का या फेल होने का या डिस्ट्रिक्ट होने का ये है कि आप क्लास मिस करते हो, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ, यदि आपकी यूनिवर्सिटी में FMG कोचिंग होती है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में होती है, जैसे वर्मा में होती है, तो आप यहाँ भी जब भी FMG क्लास लगती है उसको अटेंड करिए। आपका होगा बोलना कि भाई भाई यार ये 7 दिन में तो क्या फास्ट फास्ट पढ़ाएंगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बैठिए, आपके दिमाग में कुछ तो जाएगा, आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपको पढ़ना कैसे है, आप इंडियन सिलेबस से थोड़ा एक ना एक उसको छू के आएंगे, तो ट्राई करिए क्लास अटेंड करिए। वो 7 दिन, 7 दिन कॉलेज को छुट्टी होती है, तो जैसे वर्मा में जब FMG क्लास लगती है तो 7 दिन, जैसे 3rd ईयर लगी तो 3rd ईयर की फिर क्लासेस होती नहीं है। सो ट्राई करिए FMG क्लासेस अटेंड करने का, कोई क्लास ना छोड़िए, जाइए और थोड़ा सा रूबरू होइए इंडियन सिलेबस से। सिक्स्थ, अच्छे दोस्त बनाइए। मैं एक गुड फ्रेंड 100 दोस्त बना रहे, दो दोस्त 200 तो बना रहे, ये भी मेरा दोस्त, मैंने हमेशा बोला है कि
वो भी दोस्त वो भी दोस्त वो भी दोस्त, तो काम पे कोई नहीं आ रहा। तो अच्छे दोस्त बनाइए, ऐसे दोस्त नहीं जो आप जो सिगरेट पी रहे हो और आपको बोल रहे हैं कि यार तू सिगरेट नहीं पीता, ये नहीं। ठीक है, नहीं पीते नहीं पीते, अपनी अपनी चॉइस है, ना पिए तो बेटर है। और बाकी काम के फ्रेंड बनाइए, लिमिटेड फ्रेंड बनाइए, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा मत रखिए, छोटा कंपेयरली 5 लोग का बढ़िया एक फ्रेंड सर्कल रखिए। पता चला 15-20 लोग की भीड़ में जा रहे हो, आपका मन भी लग रहा है वहाँ पे, है ना। सो सेवन, अपने सेहत का ध्यान रखें। कभी भी तबीयत आपकी कोई ख़राब हो या कुछ भी हो, सो अब हमेशा आपके पास एक खुद का मेडिकल बॉक्स होना चाहिए, तो जिसमें आपका प्रॉपर कफ, फीवर, कोल्ड, चेस्ट पेन, ये सब, और क्या बोलते हैं उसको, पेट दर्द, या कोई आपके जॉइंट में पेन है या कोई ऐसा है, तो आपके पास स्प्रे वगैरह होने चाहिए। आपको कभी कट लगता है सर, तो आपके पास हैंडी प्लस होना चाहिए। और आपके मुंह में अगर छाले आते हैं, उसके लिए आपके पास अल्सर्स के लिए जेल होना चाहिए, बिकासोल होनी चाहिए, जो भी। सो कभी अपना मेडिकल बहुत ध्यान रखें। मेडिकल अगर आपकी तबीयत कभी ख़राब होती है, उसके लिए आप इस पर, यहाँ आपकी तबीयत ख़राब ना हो कभी, इसी के बाद इसी बात का ध्यान रखिए। जो भी आदमी है, जो भी उसका खोखला खांसी जो भी है, इंडिया से ही बेटर करके आइए और इंडिया से प्रॉपर अपने मेडिसिन लेके आइए। यहाँ आपकी तबीयत ख़राब हुई तो बहुत ही बुरा हाल होगा, क्योंकि यहाँ ये लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, उनको लगा कि एडमिट करना तो एडमिट कर देंगे। फिर फर्स्ट एक बच्चा, जैसे एक लास्ट एक केस होती है, उसको बहुत कफ था, खांसी थी, उसको पहले से ही खांसी थी। सो उससे ट्रीट करा था इंडिया में, लेकिन वो कम्प्लीट क्योर नहीं हुआ। तो फिर आई थिंक उसको आए हुए 15-20 दिन ही हुए थे, फिर वो खांसा तो उसके मुंह से खून निकला। सो उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि भैया ऐसा ऐसा, फिर वो रात के 1-2 बजे थे, मैं गया। सो मैंने चेक किया, तो जब उसने उसका वो दिखा, हैंकर से दिखा, तो उस पर खून लग गया था। सो मेरे को लगा कि मतलब थोड़ी सीरियस सिचुएशन थी। सो मैंने जो हॉस्टल का जो भी लीडर है या जो भी कमांडर है, हमारा जो भी वार्डन वार्डन है, उनको बताया। फिर हमने आधी रात को एम्बुलेंस बुलाई, स्कोरा बोलते हैं उसको। फिर मैं उसके साथ बैठ के एम्बुलेंस में रात को ठंडी में प्रॉपर हम लोग यहाँ पे एक सिटी के बाहर हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे गए। उसको मेरे को एडमिट करना पड़ा। बहुत ज़रूरत था कि भैया मत मत करो, एम्बुलेंस मत बोलो, बट नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, आप डरते हो। मुझे पता है कि आप पहला पहला साल है, भैया मैं कैसे रहूँगा, एम्बुलेंस एम्बुलेंस, ये थोड़ा डर लगता है, बट नहीं, ऑलवेज़ हेल्थ फर्स्ट। उसके बाद फिर उस बच्चे को मैं छोड़ के सुबह 4-5 बजे वापस आए। फिर क्या है ना, यहाँ पे कैसे राशन खाना बहुत अलग अलग है, तो आपको हॉस्पिटल में सूप देंगे या बॉयल्ड चिकन देंगे, कुछ भी देंगे, सो आप नहीं रह पाओगे। और यहाँ ट्राई करो कि आपकी तबीयत ख़राब ना ही हो, और बेसिक बेसिक कभी आपको सर्दी खांसी हो, उसको कभी भी सीरियसली ले और तुरंत उसका इलाज कराइए। बेसिक मेडिसिन तो यहाँ पे सबके पास होती है। सो बुखार उखार है तो ज़्यादा नाटक ना करके चुपचाप अपनी मेडिसिन खा ले, ठीक है। सो आठ, ट्राई करें कि अपने माता पिता से रोज़ बात करें, एटलीस्ट आप फर्स्ट टाइम होते हो तो आप रोज़ ही बच्चा वीडियो कॉल करते हैं। सो ट्राई करें कि एटलीस्ट आपको पता, आपको लगता होगा कि यार भैया मैं रोज़ क्या बात करूँ, रोज़ क्या बात करूँ, क्या सेम खाना पीना, ऐसा नहीं, बट कम से कम 10 मिनट अगर हो सके तो रोज़ उनसे बात करिए, उतना उनको बेहतर लगेगा। कि आप जब वो आपको रोज़ देखेंगे कि आप खुश है और खाना ना खा लिया, तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो नाइन, फेस्टिवल में पार्ट लें, जो भी आपके यहाँ फेस्टिवल हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, गणपति, गणेश चतुर्थी हो रही होगी या दिवाली हो रहा होगा, नहीं नवरात्रि हो रहा होगा, कोई भी हो, अपने रूम में गधों की तरह बैठे ना रहे। आप बढ़िया इंडियन अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहनिए, आरती में जाइए, फोटो खिंचाइए, उसको एंजॉय करिए। पता चला कि इवेंट हो रहा है और आप अपने रूम में बैठ के कोई पिक्चर देख रहे हो, ऐसा ना करें। या आपको 6 साल जो आपकी लाइफ के मिले हैं, दिस इज द मोस्ट रिलैक्सिंग एंड द मोस्ट वंडरफुल 6 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, इसके बाद आपकी लाइफ हेल होने वाली है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। सो बढ़िया ट्रेडिशनल कपड़े लाइए, पहनिए, ठीक है, एंड फोटो निकालिए, ठीक है। देन टेंथ, रिस्पेक्ट योर मामाज या वार्डन। मामा मतलब ये मम्मी वाली, उसके तो आपको उनकी आपको करनी है, बट यहाँ जो भी वार्डन होती है, जो भी लेडी वार्डन होती है, जो आपको आती है रोज़ आपके रूम में चेकिंग के लिए, आपको बोलती है कि आप अपनी रूम साफ करिए, ये कैसे रखा है सामान, तो उनको गाली नहीं देंगे आपको, उनको गाली नहीं देने की, अरे ऐसा नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए बोलती है। गंदगी में आप रहेंगे तो उससे आपको ही, आपकी ही तबीयत ख़राब होगी। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा सैनिटेशन या अच्छा हाइजीन नहीं रखेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और यहाँ रशियंस को क्लीनलीनेस पसंद है, उनको साफ़ सुथरापना पसंद है। सो ट्राई करिए कि ऐसा आपसे ना हो, ये सब गलती आप ना करें। साफ़ सुथरा रहे, बढ़िया कपड़े वपड़े धोए अपने, वॉशिंग मशीन होती है लास्ट में, और पता चल रहा है कि एक ही सॉक्स आप 10-10, 15-15 दिन पहन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई करें कि सॉक्स धोइए, सॉक्स धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, ऑलरेडी आपने गर्म पानी में डाला, सॉक्स भिगो के रखिए कि धो लिए, तो सॉक्स धोइए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए।
पहनिए, रूम साफ करने वहाँ बोलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि मैं आपको किस्सा बता दूँ, तो हमारे यहाँ एक वीका मैम है, तो वो हमारे यहाँ साफ सफाई काम करती है, लाइक फ्लोर साफ करती है, किचन साफ करती है। वो रोज आती है फ्रॉम मॉर्निंग आई गेस 10 या 11 शी स्टार्ट्स एंड शी गोज होम बाई 5 इन द इवनिंग। सो हम लोग लाइक यहाँ पे आपको उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना है, अरे साफ करने वाली, ऐसा नहीं है। यहाँ इन सब जॉब्स को भी बहुत रिस्पेक्ट है, यहाँ लोग उनके साथ अच्छे से बात करते हैं। अपने आप पे झाड़ू मारने वाले को, कचरा साफ करने वाले को हम लोग बहुत ही निचले बहुत ही गिरे हुए स्तर से बात करते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे जो विका मामा आती है वो आती है, हम लोग उनको बोलते हैं रास्ते पीछे, वो भी हमको अच्छे से ग्रीट करती है। हम लोग पूछते हैं कैसी हो, क्या हो, तो यहाँ पे शी लाइक ऑब्वियसली कचरा वचरा का साफ करते हैं, शी इज़ अ पुअर लेडी, लाइक उसको पैसों जरूरत है। तो यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स भी है, तो उनको यदि कोई उनके कपड़े वो लोग नहीं पहन रहे या उनके पुराने हो गए, तो वो मामा को पूछते हैं मामा आपको चाहिए क्या, फिर मामा अपने बच्चों के लिए कपड़े जाती है। तो एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन है। और मैं भी रिसेंटली इंडिया, तो मामा को हम लोग मिलते रहते थे, बाकी मामा को हमने बहुत बार ऐसे चाय के लिए कॉफ़ी के लिए पूछता है, कभी कभी ऐसे ही मन किया मामा चाय पी हो गया, तो कभी कभी बोलती कि हाँ पी लूँगी, तो आप चाय पिला दिया करो, जब आप खुद के लिए मना तो एक कप उनको दे दिया करो, ठीक है। सो मैं बता दूँ कि क्यों आपको क्यों उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे क्या होगा, लाइक क्या बॉन्ड बनता है। तो मैं भी इंडिया से आया था, तो मैंने एक नया शर्ट लिया है, ब्लू कलर का नया शर्ट लिया, तो इन फ्यूचर मैं कभी उसको पहनूंगा। तो वो शर्ट क्या हुआ, मैंने अचार का बर्तन भी लाया, अचार का डब्बा भी लाया था, सो उसको पैक वैक किया था मैंने प्रॉपर, बट आई गेस कि एयरपोर्ट पे बैग वैग बहुत ऐसा फेंके गए, सो वो डब्बा शायद लीक हो गया, तो अचार उसको लग गया शर्ट को, शर्ट पे होगा पूरा पीला पीला दाग मेरे ब्रांड न्यू शर्ट पे। सो यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग बहुत महंगा होता, ड्राई क्लीनिंग यहाँ पे 1500-2000 रुपये का होता है। सो तो मैंने एक दिन मामा आई, मैंने मामा बोला कि मामा यार मेरा शर्ट ऐसा ऐसा है, इसको यार ये सब खराब हो गए, मामा की ठीक है कल मैं आती हूँ, कल देख लूँगी। तो मामा ने लिटरली अगले दिन आके मेरे रूम पे कि लोकेश तुम्हारा जो शर्ट ख़राब हुआ है वो मुझे दो, और तुम्हारा मैंने बोला कि मामा एक पैंट भी, पैंट मैंने दिया। मामा लिटरली सबसे जो नीचे हमारा वॉशिंग मशीन वाला एरिया वहाँ वो दोनों कपड़े लेके गई अपने रूम, अपने घर से उसने कोई डिटर्जेंट या कुछ लाया था, उस उन्होंने वो धो के दिया है लिटरली शर्ट और मेरा जीन्स, समझ रहे हो, उसने अपने हाथ से धो के दिया है, घस के दिया है, पूरा डाग निकाला, कपड़े मुझे ला के दिया, फिर मामा ने कपड़े सुखाए, और देन वी आस्क्ड हर फॉर चाय, फिर मामा ने हमारे साथ बैठ के चाय वाय पी। सो ये है, सो समझ लो कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द वर्डन सो रही, वो आप अच्छा ही चाहेंगे, हो सकती है कभी कभी लैंग्वेज में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको बेवजह कभी कभी डांट दिया जाए, जो गलती आपने की भी नहीं, बट कभी आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे पहली ही रशियंस इंडियंस के हॉस्टल में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग रूम बहुत गंदा रखते हैं। हमारे यहाँ क्या अगर आप मतलब इंडियंस जो अपन है, आप भी जब आओगे यहाँ पे, आप अपन यहाँ बेसिन में ही लोग चावल सब्जी ये यहाँ ये सब पड़ा होता है, तो वो दे डोंट वांट टू वर्क हियर भाई, वो लिटरली थोड़े पैसों के लिए उनको लगता है कि क्यों काम करें। यहाँ बहुत ही मुश्किल से क्लीनिंग स्टाफ मिलता है, स्पेशली जहाँ इंडियंस रहते हैं, ये सब चीज़ पे आप ध्यान रखिए। सो कभी उनके साथ आप मिसबिहेव ना करें। आई नो इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा टाइम लिया, बट दिस वॉज मस्ट। पानी की बॉटल कभी कैरी करें क्लास में, क्यों, ये डूज में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे आपको क्लास में ऐसे मिलेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो पानी नहीं लाते हैं, सो पानी पिलाना ही पुण्य का काम है, तो ट्राई करिए कि अपने पानी अपने बैग में बॉटल रखें ताकि आपको पानी मिले और उनको मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सोचते हैं कि यार पानी की बॉटल तो बच्चे लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो पानी बॉटल हम लोग लेके जाते हैं। 12th पार्ट टाइम जॉब करें, ट्राई टू अर्न कैसे तैसे। सो कभी भी अगर आपको कभी भी चांस मिलेगा, अगर आपके अगर यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तो कभी भी पुश योर सेल्फ, अगर आप बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो ट्राई टू वर्क, ट्राई टू डू पार्ट टाइम जॉब, कुछ ना कुछ अर्न करने का ट्राई करिए, थोड़ा सा माँ बाप पे ज़्यादा पैसों का प्रेशर ना पड़े इस बात का ध्यान रखिए, और पैसा कमाने का ट्राई करिए, कोई भी जरिया हो, पार्ट टाइम जॉब हो या कुछ भी हो, आपको थोड़ा बड़ा कुछ लग रहा हो कि यार ऐसा करके काम पैसा अपन कमा सकते हैं, तो पैसा कमाइए, ट्राई पैसा कमाने के जरिए ढूंढिए, जो भी कोई काम हो या फ्रीलांस आपको आता हो या आप एडिटिंग अच्छी करते हो, तो अप्रोच करिए लोगों को काम के लिए। मुझे मेरे इंस्टाग्राम डीएम में या मेल पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया मैं आपको थंबनेल बना के देखता हूँ, तो भी अच्छी बात है, कोई मैसेज करता है मैं आपकी वीडियो एडिट करके दे सकता हूँ 200 रुपये एक वीडियो का, तो अच्छी बात है, तो करिए पैसे कमाइए अभी अपने आप, ट्राई टू अपने पैरों पर खड़े होने का अभी से। 13th यहाँ पे बहुत सारे ओलंपियड होता है,
रशियन लैंग्वेज का ओलंपियड होता है, बायो का होता है, एनाटॉमी का होता है, तो एनाटॉमी जो भी ओलंपियड है उसमें पार्ट लीजिए, आपको पार्टिसिपेशन के भी पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि आपको जब आपको उस सब्जेक्ट का यहाँ एग्जाम होता है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स उसके मिलते हैं 14, सॉरी बोलने पर ध्यान रखिए, कभी भी दिमाग ठंड रखिए, कभी आपका बाहर कोई झगड़ा हो गया, आपके हॉस्टल में कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, या बस में कुछ हो गया कभी, तो ट्राई टू बी पोलाइट, आपकी गलती ना भी हो तो भी वहाँ से सॉरी बोल के निकल लो, किसी से कभी दादा यहाँ डॉन बनने की कोशिश ना करे, दादा दादागिरी ना करे, डॉन बेहेवियर होगा कोई मतलब नहीं है, इससे करके आपको ही इससे पीड़ा होगी। 15, अपने पर्सनैलिटी बिल्ड करें, ठीक है, जो आदमी थोड़ा इंट्रोवर्ट है वो ट्राई करे कि वो बोले, घुले मिले, कोई बहुत ही ज़्यादा ओबीस है मतलब मोटा है तो ट्राई करे कि वो जिम जाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए, और ऐसा नहीं कि मैं मोटा ही तो मोटा रहूँगा, ऐसा नहीं है, यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी 6 साल में अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बना के निकली कि आपको भी एंशियस सॉरी आपको भी ऐसा कॉम्प्लेक्स ना फील हो बाहर जाने में, तो अगर आप मोटे हैं या बहुत ही पतले हैं तो ट्राई टू लीजिए, केले खाइए, कुछ भी करिए, बट ट्राई टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी। 16, बस से जब उतरो यहाँ पे तो जनरली कभी कभी जनरली यहाँ टिकट नहीं निकालते, जो आपकी पुरानी बसेज है उसमें आपको खुद ही ड्राइवर को कंडक्टर को पैसा पे करना पड़ता है, जनरली यू पे टू द ड्राइवर, ड्राइवर को आप अपना कार्ड देते हो या अपना कैश देते हो, कोई कोई बच्चे बिना पैसे दिए भी उतरते हैं, सो ध्यान रखें कि आप कभी भी पैसा दे के उतरे, 30-35 रुपये अगर आपने बचा लिए, यदि आपको किसी ने बाहर को तो पकड़ लिया तो आपका बहुत ही खराब नुकसान होगा, अगर उन लोगों ने आपके नोटिस में कंप्लेन कर दी तो हो सकता है कि आपको भारत देश फिर से देखने का मौका मिले तुरंत, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, जिसमें आप खुश नहीं होंगे। 17, कंटेंट क्रिएशन करें, यदि आपको अच्छे वीडियोज आप बना सकते हो या आपको अच्छा फोटो खींचना आता है या रील बनाना आता है, कुछ भी आता है, तो ट्राई टू आप अपना इंस्टाग्राम पे रील डालिए, यदि आपको यूट्यूब पसंद है, आपका मन है तो करिए उसको, कंटेंट क्रिएशन करिए, ट्राई टू गेट इन, तो अगर आपका मन है तो करिए, शर्माइए मत, स्टार्टिंग में लोग हंसेंगे, फिर लोग आपको ही भाव देंगे, तो कब मैं भी स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाता था बहुत लोग हंसते थे, यूट्यूबर वोटर बोलते थे, अभी हाँ अभी ठीक है, फोटोज वीडियोज खींचिए, कभी भी जाइए तो ट्राई टू क्रिएट मेमोरीज, क्लास जाइए, कभी जाइए, कहीं बाहर घूमिए तो फोटो वोटो खींचिए यार, 19, खुद भी पढ़िए और को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करिए, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपको ले रहे क्या पढ़ता चलना बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, तो ऐसे दोस्तों ने जो अच्छा पढ़ता होगा जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे। 20, खाना बनाना सीखे, कभी ये मत बोलिए यार भैया मेरे को तो चाय भी नहीं बनानी आती है, मेरे को बहुत हंस के लोग बोलते हैं यार भैया मेरे को तो चाय, तो ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, बहुत ही शेमफुल चीज़ है कि आपकी 19-20 साल उम्र है आपको खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना हर बच्चे को आना चाहिए, इट्स बेसिक, मेरे पापा भी जब जॉब करते थे वो भी अपने हाथ से बनाते थे, मैंने भी 5 साल खुद खाना बनाया, हर बच्चे को अपना चावल सब्जी बेसिक बनाना चाहिए, इसमें कोई भी तीर मारने वाली या हंसने वाली बात नहीं, मुझे तो बच्चा मैं तो मैगी ही बनाती हूँ भैया, ऐसा नहीं है मुझे मैगी नहीं खा सकते आप, आपको खाना बनाना चाहिए, मैं सिर्फ गर्ल्स को नहीं बॉयज़ को भी बोल रहा हूँ। फिर लास्ट में कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ रहे या बाहर जाए कभी रेस्टोरेंट जाए किसी, तो अपना हिसाब क्लियर रखें, यदि किसी ने पे किया है, यदि आप 4 लोग गए हैं 2000 बिल आया तो आगे से उसको पूछे कि भाई मेरा 500 शेयर होता है या कितना होता है मुझे बता दे और अपना नंबर मुझे दे मैं पैसा भेज देता हूँ, कभी भी हिसाब क्लियर रखें, कभी भी ऐसा मत करें कि यार चल दे दूंगा, उसने मांगे नहीं है तो मैं दूंगा नहीं, वो भूल जाएगा, ऐसा नहीं, कोई भी आदमी पैसा नहीं भूलता, याद रखिए, कोई भी आदमी हाँ वो बहुत ही रिच घर का होगा तो होगा, बट बेसिक कैसा भी हो आपको किसी का भी पैसा नहीं रखना है, आगे से बोलना है कि भाई तुम्हारा हिसाब कर लो, मेरे को पैसा देना मुझे बता दो, और अपने टाइम भी फिर आगे से उनको बोले कि भाई तुम्हारा सबका इतना था मुझे इतना भेज दो, हिसाब कभी भी दोस्ती के बीच ना है। अभी ड्रोन्स पे ध्यान देंगे, आई नो वीडियो लंबी हो गई बट है ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी मैंने जरूरी समझी, ड्रोन्स में है कि कभी भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च न करें, अपने माँ बाप को ATM ना समझे कि हेलो हाँ पापा पैसा खत्म हो गया पैसा भेज दो, फिर मान लो 10 दिन बाद फिर से बोला हेलो हाँ पापा पैसा खत्म हो गया पैसा भेज दो, फिर 10 दिन बाद पैसा भेज दो, ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ हिसाब से खर्च करिए, 1 तारीख को पैसा था तो आपका 30 तारीख तक पैसा पूरा ही चाहिए, भैया 21 को ही खत्म हो गया, अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया, आपको 21 को आपको 20 से पता चल रहा होगा ना, 19-20 से कि भाई मेरे पास और मेरे को 8 दिन रहना है, मेरा पैसा कैसे खत्म हो रहा है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। खाने पीने पे ध्यान रखें, जैसे मैं बोला कि सेहत पे ध्यान रखें, अच्छा खाइए अच्छा पिए, ज़्यादा जंक के चक्कर में ना जाए, पता चला रोज़ी बर्गर और पिज्जा अंदर जा रहे, छोटी छोटी बातों के लिए माँ बाप को परेशान ना करें, जैसे आप कभी गए हॉस्टल फर्स्ट टाइम आप पहुँच गए आपको रूम अच्छी नहीं मिली तो उनको मत ऐसा तंग कीजिए पापा यार मुझे रूम, वो क्या करेंगे बेचारे, वो आपके काउंसलर को परेशान करेंगे और क्या, आपको जब रूम अच्छी मिलनी होगी या जो भी आपके फेट में होगा आपको इवेंचुअली मिल जाएगा, बट आपके घर में आप परेशान करेंगे तो उससे आपके घर वाले ही चिंता करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं,
छोटे छोटे बातों के लिए फोन ना करें। दारू सिगरेट से दूर रहे। फर्स्ट है कि बच्चे अभी ओरेनबर्ग में, मैं देखता हूँ कि मैं जब अभी सोवेस्कर स्ट्रीट से आता हूँ तो एकदम ऐसे रास्ते पे सिगरेट वगैरह लेके ऐसे चलते, यहाँ बहुत ही लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो ट्राई करें कि सिगरेट वाला चलन ना करें, इस दिशा में ना जाएं। यदि आपका दोस्त पीता है तो फिर मैं भी पीऊँगा, फिर वो पीऊँगा, ऐसा ऐसा नहीं करना है। दारू से दूर रहे, सिगरेट से दूर रहे, ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग। और इतने में वेप का चलन ज़्यादा चल रहा है कि वेप कोई नया निकले वो भी ना करें। भैया वेप से तो ज़्यादा नहीं होता है, प्लीज़ ना करें, इट्स हम्बली कुछ, बाकी आपकी लाइफ है, आपको जो करना है करिए। ठंड को सीरियस ले, जहाँ ठंड पड़ती है मजाक में ना ले, जब भी बाहर जाए तो अच्छा खासा खुद को कवर करके जाए। ठंड को सीरियसली ले, अच्छे स्नो शूज पहने, सब कुछ अच्छा करिए, ज़्यादा मजाक में ठंड को ना ले। रशियंस को रिस्पेक्ट से बात करिए, उनका अनादर ना करिए, उनको ज़्यादा जोर से बात करना या बहुत ज़्यादा बात करना आवाज़ पसंद नहीं। अगर आप बस में बैठो तो शांत शांत बैठिए, रिस्पेक्ट देम, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अब पता चल रहा है आप उनको लग रहा है कि यार उनको तो गाली नहीं आती, मैं गाल दे रहा हूँ उससे, ये सब आप बेवजह किसी का अनादर ना करें। सेवन्थ, जब भी आपको कोई जूनियर मिले या जैसे अभी मैं हूँ या किसी सेकंड वाले को फर्स्ट ईयर मिले तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, अच्छे से बात करिए, उसको हेल्प आउट करिए। मान लीजिए कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपकी किसने हेल्प की थी, वैसे ही उसको हेल्प करिए। पता चला आप उसको तकलीफ दे रहे अननेसेसरी, ये तो कर क्या है, नाम है कहाँ से, ज्ञान क्या है, क्या होगा। जब आप भी आए थे तब आपको जिसने किया था आप भी उसके बारे में पीठ पीछे ऐसे बोलते, यार क्यों नहीं भाई, क्या पूछ रहे हैं यार, ये सब क्या है, इधर आ तू, क्या नाम है तेरा, कहाँ से तू, ठीक है, जब भी मिला हेलो। देखिए आगे से मुंह से मत मांगिए रिस्पेक्ट, और किसी जूनियर को अन्य से तंग न करिए, ट्राई टू हेल्प मोर, रिस्पेक्ट करिए। यहाँ गुंडा नहीं बनना है, मैंने बताया है। बाकी बस में आवाज़ ना करें, और 10th 10th की सामान की जरूरत ना करें। पता चला आप किसी यहाँ पे शॉप में गए, चुपचाप आपने आपके जेब में कुछ डाल लिया है ना, और यहाँ पे आप तो हॉस्टल में किसी का सामान चोरी कर लेते, ये चोरी चकारी वाले काम ना करें, बच के रहिए इससे, क्योंकि यदि आप पकड़ेंगे तो सीधा आपको इंडिया के दर्शन होंगे, सीधा आपको छोले भटूरे खाने मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है मैंने और कुछ चीज़ें छोड़ूंगी, लेकिन आज के लिए ही इतना ही। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, अभी भी एडमिशन ओपन है, मेरी वीडियो आ जाएगी किस किस यूनिवर्सिटी में, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि।